आग जलगांव में अब पीछा ही नहीं छोड़ रही है। कुछ समय पहले शिवाजी नगर में आग लग गई थी जिसमें कई घर तबाह हुए थे। अभी एक सप्ताह पहले तांबापुरा के पंचशील नगर में भी आग लग गई थी। अभी उस आग के पीड़ित उबर भी नहीं पाए हैं और अब रविवार को शहर के बीचों बीच इस्लामपुरा में एक 3 मंजिल इमारत में रात को भयंकर आग लग गई। आग बढ़ भी शायद इसलिए रही थी क्योंकि इस बिल्डिंग में किसी व्यापारी ने प्लास्टिक का गोदाम बनाया था और प्लास्टिक आग जल्दी और ज्यादा पकड़ती है। त्योहारों का मौसम, सड़क पर भीड़भाड़ के बीच मदद कर पाना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी सरकारी महकमा मौके पर मौजूद था। अग्निशमन भी आग पर काबू पाने के प्रयास कर रही थी और खबर लिखे जाने तक बाहर से आग बुझा ली गई थी। आखिर ये आग क्यों लग रही है, ये सवाल बढ़ता ही जा रहा है। क्या कहीं कोई ऐसे असामाजिक तत्व तो नहीं जो शहर में अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं? इस ओर भी सोचना चाहिए, ऐसा लोगों का कहना रहा था। फिलहाल मौके पर SDPO सचिन सांगले, शनिपेट पुलिस थाने के कर्मचारी, मुस्लिम नेता करीम सालार, अयाज अली समेत लोग मौजूद थे। जलगांव से जके अहमद, धर्मेंद्र और साबिर के साथ आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज़ के लिए।